हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDLET फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आई थिंक लेसन 8 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ या पाई ग्राफ द्वारा निरूपित करना। तो ये इस चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है कि अगर पिक्टोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। पाई ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, बहुत ही आसानी के साथ, या फिर दंड आरेख हो, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने तीन से चार क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, और उसी से रिलेटेड है, ताकि आप सभी को और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न है कि विभिन्न वर्षों में एक संस्थान के प्रशिक्षुओं की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा। वर्ष आप देख सकते हो, वर्ष 2008 में प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी थी, 400। वर्ष 2009 में प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी थी, 300। वर्ष 2010 में प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी थी, 500। वर्ष 2011 में प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी थी, 600। और वर्ष 2012 में प्रशिक्षुओं की जो संख्या थी वो 700 थे, ठीक है। तो अब यहाँ ये कह रहा है कि आप इसको क्या करना है, कि आपको, मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, इसको आपको पिक्टोग्राफ के द्वारा निरूपित करना है, ठीक है। तो इसको अगर हम पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपित करें तो आप इसमें एक संकेत मान लीजिए, यानी एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक संकेत हमारा जो है कितने के बराबर है, 100 के बराबर है, क्योंकि हम छोटा छोटा लेंगे, अगर 5 लेंगे, 6 लेंगे तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम आएगी ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि जरूरी नहीं कि आप 100 ही लेंगे, आप ये भी लिख सकते हो कि एक संकेत 200 के बराबर, ठीक है। तो इससे क्या होता, अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक संकेत 200 के बराबर रहेगा तो फिर एक नहीं बन पाएगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि एक संकेत 100 के बराबर आप मान लो, ठीक है। एक संकेत हमारा कितने के बराबर है, 100 के बराबर है, यानी जो आपका इस तरीके से ये बनेगा, ये एक संकेत जो है ये कितने के बराबर है, 100 के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको आप बनाने के लिए, सबसे पहले तो आप यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, यानी 2008 में यानी प्रशिक्षुओं की जो संख्या है वो 400 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से फिगर बना देंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं वैसे ही बना रही हूँ, यहाँ पे इस तरीके से एक हो गया, ठीक है, दो हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये तीन हो गया और ये चार हो गया, ठीक है। तो जब हमको पता है कि एक जो एक संकेत है 100 के बराबर है, तो हमारा चार संकेत है, तो चारों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400। उसी प्रकार 2009 में, यानी 2009 में यहाँ पे तीन है, तो हम क्या करेंगे, तीन यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम बना देंगे, ठीक है। एक नहीं रहेगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे तीन रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2010 में कितना था, तो 500 था, ठीक है, 2010 में कितना था, 500। आप अपने कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे और आप और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं ये हाथ से बना रही हूँ, ठीक है, आप पेन से बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है, ये आपका फिफ्थ पूरा हो गया। उसी प्रकार 2011 में कितने थे, तो 600 थे, तो आप 6 संकेत बना देंगे। 2012 में कितने थे, 700 थे, तो आप 7, यानी 7 संकेत बना देंगे बहुत ही इजीली तरीके से। देखिए अब इससे क्या पूछता है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है कि 2010 में कितने संकेत हैं, यानी कितने संकेत निरूपित किए गए हैं। तो 2010 में 500 है और हमारा एक संकेत 100 के बराबर है, तो 2010 में 5 संकेत निरूपित किए गए हैं। उसी प्रकार अगर 2009 की पूछे, तो 2009 में 300 प्रशिक्षुओं की संख्या है और एक संकेत हमारे 100 के बराबर है, तो 3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर 2008 की पूछे, तो 2008 में कितने प्रशिक्षुओं की संख्या है, 400, और हमको पता है कि एक संख्या कितने के बराबर है, एक संकेत कितने के बराबर है, 100 के बराबर, तो यहाँ पे हमारा 400 संकेत आ जाएगा। तो बस ये बहुत ईजी है, आप आसान के साथ इसको कर सकते हो, मैंने यहाँ बना दिया है,
क्योंकि आप सभी को जो पीडीएफ दूंगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड देखिए, इसको अगर आप लगाएंगे तो इसी तरीके से लगाएंगे जैसे मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि वर्ष 2010 में कुल प्रशिक्षुओं को कितने संकेत निरूपित, तो आंसर है 5 संकेत, ठीक है। क्या लिखेंगे? 5 संकेत। उसी प्रकार वर्ष 2008 में कुल प्रशिक्षुओं के लिए कितने संकेत, तो 4 संकेत। तो वो जरूरी नहीं है कि 2010 और 2008 किसी भी वर्ष का पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पिक्टोग्राफ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप आसानी के साथ बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हो और आपका 2 नंबर बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के सवाल जो सवाल है आपके लघु उत्तरी में पूछे जाते हैं, ना कि अति लघु या फिर बहुविकल्पीय, ठीक है। तो आपके 2 नंबर बहुत ही आसानी के साथ बन सकते हैं। और आप सभी को पता है 25 में से कितना नंबर लाना होता है, 12 नंबर। और जो आप सभी की प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेस्ट है, तो आप 12 नंबर ना लाकर 20, 21, 22 लाइएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है, ठीक है। यानी अजय है उसने जिस यानी हिंदी में 38 नंबर पाया, अंग्रेजी में 45 नंबर पाया, गणित में 75 नंबर पाया, विज्ञान में 80 नंबर पाया, सामाजिक विज्ञान में 90 नंबर पाया। तो अब क्या करना है आपको, इसको बार ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है या फिर निरूपित करना है। तो किस तरीके से बार ग्राफ, आप सभी को पता है इस तरीके से, इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, ठीक है। और एक एक सेंटीमीटर की दूरी करके हम बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो, और जो अंतर होना चाहिए अंकों का वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक लाइन खींचोगे, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे, इसको हम x मान लेते हैं, ये आपका 0 होता है और ये आपका y होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिट आपके पास, आप मैंने बोला था कि आप एग्जाम में जब पेपर देने जाइएगा तो आप फिट, पेंसिल, प्रकार, ये सब कुछ, इरेजर सब कुछ लेकर जाइएगा, ठीक है। चांदा हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एक सेंटीमीटर की दूरी जैसे कि 90 तक है, ठीक है। तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप 10-10 का ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनाएंगे ताकि दिखने से अच्छा लगे। इसको हम क्या करते हैं ना कि इसको रंग भी सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे मान लो कि मैं 10 के लिए यहाँ बना रही हूँ, 20 हो गया 30 हो गया 40 हो गया 50 हो गया 60 हो गया, ठीक है। मैं 60 तक ही बनाती हूँ। तो देखिए 60 तक हम अगर बनाते हैं तो 60 तक केवल आपका कितना है, 2 ही हम बना पाएंगे, क्योंकि 60 क्योंकि जगह नहीं, इसलिए मैं कॉपी में लगा दी हूँ, आप आसानी से समझ सकते हो। तो फ्रेंड देखिए आपका हिंदी, हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नीचे भी अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ लिखेंगे कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंकों का अंतर, यानी 10 10 10, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ हिंदी लिख देंगे, यहाँ अंग्रेजी लिख देंगे, यहाँ गणित लिख देंगे, तो हमें मालूम है कि हिंदी में कितने नंबर पाया, 38 नंबर, तो 30 आपका यहाँ है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 30 31 32, तो कुछ 20 आधे से ऊपर जाएगा और ये आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार अंग्रेजी, तो अंग्रेजी भी यहाँ से आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यह आपका अंग्रेजी है तो यहाँ से, तो फ्रेंड जैसे कि मैं अगर नीचे दिखाऊँ तो देखिए मैंने यहाँ इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ठीक है, बार ग्राफ द्वारा। तो देखिए इस तरीके से इसको बनाना है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ठीक है। आप देख सकते हो 10-10 का अंतर है। और फ्रेंड्स आप इसको कलर भी कर सकते हो, है ना, सबसे बेस्ट है कि आप इसका कलर भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना, कलर अगर हो जाएगा तो ये बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव होगा, और जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो बहुत ही मतलब कि समझेगा कि हाँ आपने मेहनत की है, ठीक है। तो आप इसका आप पेंसिल ले जाएंगे उस टाइम, इसको आप कलर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। अब हम बात करते हैं आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि अनिल की दुकान पर जनवरी से जून तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी जनवरी में कुल कितने पंखे बेचे गए, तो 10 बेचे गए। फरवरी में कुल कितने पंखे बेचे गए, तो 15 बेचे गए। मार्च में कुल कितने पंखे बेचे गए, तो 25 बेचे गए। अप्रैल में कितने, तो 40। मई में तो 50। अब जून में क्यों, क्योंकि जून में बहुत गर्मी होता है, तो 70 पंखे बिक गए, है ना, तो उसकी कमाई भी बहुत अधिक हो गई होगी। जैसे जनवरी में ठंडा होता है, फरवरी में थोड़ा ठंडा होता है, मार्च में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, अप्रैल में
मई में और जून में सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए पंखा भी सबसे ज्यादा बिका। अब देखिए इसको क्या करना है, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आपको पता है कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ यानी आप संकेत बनाकर और बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो देखिए हम अब क्या करेंगे, यहाँ अब हम 10 पंखा थोड़ी ना बना सकते हैं, है ना, 10 पंखा नहीं बनाएंगे और ना ही 15 बनाएंगे, ना ही 25 बनाएंगे, ना ही 40 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ मान लेंगे कि एक संकेत बराबर यानी एक पंखे बराबर यहाँ इस तरीके से आप पंखा बना सकते हो, है ना, इस तरीके से यानी एक पंखे बराबर आपका यानी एक पंखा जो है वो कितने के बराबर है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 5 के बराबर है। ठीक है, यानी सबसे पहले तो आपका जो नियम होगा यही होगा कि एक संकेत जो है वो आपके 5 पंखे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ 10 है तो आप कितने पंखे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप 2 पंखे बनाएंगे, है ना, इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से फिगर, इसमें फिगर की ये बात है ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे और इसमें कुछ नहीं है। उसी प्रकार 15 तो आप कितने बनाएंगे, तो यहाँ पे आप 3 बनाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 5 बनाएंगे, ठीक है, 5 संकेत बनाएंगे। 40 है तो यहाँ पे आप 8 बनाएंगे, ठीक है, 50 है तो 10 बनाएंगे। उसी प्रकार अगर यहाँ पे आपका 70 है तो यहाँ पे आप 12 बनाएंगे, ठीक है, तो आप सभी को 13-14 बनाएंगे, ठीक है, तो 14 आप बनाएंगे जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। फ्रेंड्स तो अभी आप देखो मैंने नीचे बनाया है, ठीक है, एक पंखा यानी एक संकेत जो है वो आपके 5 पंखे के बराबर है, तो जनवरी में आप देख सकते हो 2 बना है, ठीक है, और 5 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 3 होगा तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होगा, यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका 5 है तो 5 5 जा 25, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आपका अप्रैल में 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका कुल जो होगा वो 14 होगा, क्योंकि 14 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से अब देखिए क्वेश्चन भी पूछता है, क्वेश्चन भी पूछ देता है कि किस अगर एग्जांपल के लिए बोले कि किस माह में सबसे अधिक संकेत बने हैं, तो आपका जून माह में सबसे कम, तो जनवरी माह में सबसे मतलब कि मीडियम, तो हम बोल देंगे अप्रैल में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आज का लास्ट ये प्रश्न है, ठीक है, वर्ष 2005 के किसी किसान की उपज का विवरण निम्न प्रकार है, इसे बार ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। तो बार ग्राफ मैंने जस्ट अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया, तो बार ग्राफ यानी फसल और पैदावार यानी क्विंटल में, यानी गेहूं जो है वो आपका 50 क्विंटल है, जौ कितना है 35 क्विंटल है, चना कितना है तो 25 क्विंटल है, तिलहन कितना है तो 30 क्विंटल, और दलहन कितना है तो 15 क्विंटल उसका कुल उपज है वर्ष 2005 का, ठीक है, यानी वर्ष 2005 में और सबसे अधिक जो था वो किसमें था, तो गेहूं का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप देखिए यहाँ किस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले तो आप एक्स और वाई अक्ष एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और अंतर जो रहना चाहिए यानी आप लिखेंगे कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ जो अंतर होना चाहिए वो 5-5 सेंटीमीटर का कर दीजिए क्योंकि 50 तक ही है, ठीक है, तो 5-5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 5 क्विंटल अंतर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ गेहूं चना तिलहन दलहन, और आप यहाँ देख सकते हो 5-5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और बहुत ही आसानी के साथ क्योंकि गेहूं सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे हम 50 रखेंगे, ठीक है, जौ जो है वो आपका 35 है, चना जो है वो आपका 25 है, 25 क्विंटल, और तिलहन जो है वो आपका 30 क्विंटल है, और जो दलहन है इससे क्या होता है ना, जो बार बन जाता है तो इससे बहुत ही आसानी के साथ हम बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इसको कलर जरूर कीजिएगा एग्जाम में,
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इजी थे और आप इसको बहुत ही आसान साथ कर सकते हो फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपका अगला चैप्टर है वो सजातीय और विजातीय है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये बारंबारता यानी जो आपका अवर्गीकृत पिक्टोग्राफ, पाई ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिक्टोग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो संकेत वाला है, ठीक है। तो ये इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा देखिए मैथ के चैप्टर में अगर मैं बात करूं कि किस में आपको फोकस करना है तो परसेंटेज भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। शुरू के तो जितने भी लेसन है वो ईजी है, ठीक है, लेकिन जो बाद के आपके ज्यामिति हो जाते हैं ये थोड़ा हार्ड है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम कल, अब कल क्या, आप तो हम मैथ का टर्न नहीं है क्योंकि कल संडे है। तो फ्रेंड्स आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो और जो PDF है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम से, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स आप लोग कहते हो कि एग्जाम कब होगा, तो फ्रेंड्स एग्जाम जो है वो जुलाई मंथ में 99% कन्फर्म है। अब आगे क्या होगा इसके संबंध में कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।